हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट नॉकेज चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो आरपीएफ का कट ऑफ जारी हुआ है उसी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल की टोटल वैकेंसी जो थी वो 8691 पोस्ट थी। ये देख लीजिए, 8691 पोस्ट। और दोस्तों, इसमें जनरल के लिए थी 5736 पोस्ट, 1183 ओबीसी के लिए थी, एससी के लिए 1096, एसटी के लिए 604, टोटल थी 8691। इसकी एज लिमिट आप देख जानते ही थे, 18-25 साल तक, क्लास 10th पास इसके लिए चाहिए था। जोन वाइज बटे हुए थे ए बी सी डी ई एफ तक। और ये आप फिज़िकली देख सकते हैं, हाई चेस्ट, रनिंग जंप, लॉन्ग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन काम है, जो हमारा मेन उद्देश्य है इस वीडियो का, डाउनलोड कॉन्स्टेबल कट ऑफ। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। ये देख लीजिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले ए से ग्रुप ए की कट ऑफ देख लीजिए, फीमेल की हम पहले देखते हैं। ओबीसी के देख लीजिए, यहाँ पे 46.67 दिखा रही है। और एससी कट ऑफ गई है, ये फीमेल का मैं बता रहा हूँ आपको, 41.24। एसटी की गई है 38.49 और अनरिजर्व की गई है 47.69। तो लेडीज़ की कट ऑफ काफ़ी कम है। तो चलिए आइए हम मेल की बात करते हैं। मेल में देखिए, ओबीसी की गई है यहाँ कट ऑफ 93.5, काफ़ी ज़्यादा गई है दोस्तों ओबीसी की। और ग्रुप ए में मेल में सबसे ज़्यादा ओबीसी की ही गई है। एससी की देखिए 77.29 गई थी, एसटी की 76.71, अनरिजर्व की 79.75 और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी 36.5। तो ये आप टोटल देख सकते हैं कि ओबीसी जो है, ये मैं और एक मार्क करता हूँ, ओबीसी देखिए 93.5 है जबकि अनरिजर्व की ओनली 79.75 है। तो देखिए यहाँ पे ओबीसी की सीट काफ़ी ज़्यादा चली गई है मेरिट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप बी की। तो ये देखिए आपके सामने ग्रुप की खुल गई, ग्रुप बी की कट ऑफ खुल गई है कांस्टेबल की। तो ओबीसी की देखिए यहाँ पे गई है 49, मेल में पहले फीमेल का बता रहा हूँ। एससी की गई है 49.58, लगभग बराबर ही है। एसटी की 43.27, अनरिजर्व की 57। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेल की। तो मेल में देख लीजिए आप, यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ गई है 88.35, एससी की गई है 83.73, एसटी की 76.69 और अनरिजर्व की 87.15। लगभग इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व के कंपैरिजन ओबीसी की मेरिट ज़्यादा जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अनरिजर्व के कंपैरिजन ओबीसी की सीट ज़्यादा जा रही है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको ग्रुप एफ की दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों देख लीजिए, ग्रुप एफ में देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने ही है। ओबीसी की 84.9 गई है 19, एससी की 70.51, एसटी की गई है 68.22, अनरिजर्व की 86.89, एक्स सर्विसमैन 36.5। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ओबीसी की सीट कम, मतलब ज़्यादा नहीं गई है कंपैरिजन अनरिजर्व के। बाकी तो आपने देखा ग्रुप ए ग्रुप बी में तो ओबीसी की मेरिट काफ़ी ज़्यादा गई है इस बार अनरिजर्व से। और एससी अप्रॉक्सीमेटली 70 तक ही थी, 70-72 के बीच में ही रह गई। तो ये रहा दोस्तों आपको कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद है। देख लीजिए नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ कैंडिडेट्स। तो दोस्तों आपको ये हमारा चैनल कैसे लगा? अगर आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ पूछना हो या फिर आरपीएफ के बारे में कुछ भी, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।